हेलो एवरीवन, आई एम पवन सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पवन सर कॉमर्स एंड इंग्लिश क्लासेस में। आइए इस वीडियो में हम आज कुछ नया सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम यहां पर नया वही सीखेंगे टेंस के बारे में। अब तक की वीडियो में बताया गया है आपको प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस के बारे में और आज की जो वीडियो है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में। तो हम पढ़ेंगे फ्यूचर क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है, भविष्य में ऐसा काम चल रहा होगा, हुआ नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीटली वेपर होगा, उसे हम पूरा करेंगे और आपको समझेंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होता है, पहचान क्या है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, सब बताऊंगा। लेकिन यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको हम देखते हैं और समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस है, प्रोग्रेसिव बोले, पहचान कुछ नहीं, इंडिकेशन है, सिंपल ही है। जहां पर हमारे पास किसी हिंदी वाक्य के अंत में लास्ट में रहा रही रहे ये आ जाए तो इसका मतलब होता है कंटिन्यूस। मतलब अगर हिंदी वाक्य के अंत में रहा रही रहे दिया हुआ तो कंटिन्यूस हुआ। जहां पर होगा, होगी, होंगे, होगी ये अगर बता दिया तो इसका मतलब हो गया फ्यूचर। तो रहा रही मतलब किसका हुआ, कंटिन्यूस का हुआ, होगा होगी हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस का हुआ। और ऐसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बारे में हम समझेंगे। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब के देखें और समझें। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल बी और विल बी, शैल और विल वैसे रहते हैं और साथ में क्या आया, वी आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा जहां पर आई और वी होगा वहां पर शैल का यूज करेंगे और जहां पर आई भी नहीं होंगे उसके अलावा कुछ और होगा, यू भी दे, नेम्स वगैरह एट एक्स्ट्रा, तो वहां पर हम आई भी को छोड़ के सब में क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। बट आप ध्यान दीजिएगा राइटिंग टाइम में आपको ध्यान देना है सर और विल का। एज अ स्पीकिंग आप पढ़ेंगे बोलेंगे जितना यूज कर सके वहां पर आप विल यूज करिएगा। तो ये कुछ इंडिकेशन थे, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब थे। अब इसी के बेस पर हम बनाएंगे सेंटेंसेस को तीन टाइप से। पहला होगा अफर्मेटिव, दूसरा होगा निगेटिव और तीसरा होगा इंट्रोगेटिव। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अब यहाँ पे हम सबसे जो फर्स्ट वाला सेंटेंस बनाएंगे किसको, अफर्मेटिव को। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर और इसका जो फर्स्ट स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में समझेंगे और हम बनाएंगे यहाँ पर सेंटेंसेस। ठीक, तो क्या सेंटेंसेस है, क्या समझेंगे, तो पहले देखें हम क्या स्ट्रक्चर को। अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब विल से साथ में वी, चाहे वो विल बी हो या फिर शैल बी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में साथ में आईएनजी आएगा और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट मतलब अदर वर्ड्स दिया हुआ। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। अब इसी बेस पे हम बनाएंगे एग्जांपल और हम समझेंगे। जैसे लड़का बड़बड़ा रहा होगा और लड़के नखरे दिखा रही होंगी, इन दोनों को समझा। अब ऐसे हम बनाएंगे इसके हम एग्जाम्पल, जो बताया गया है वही हमारा एग्जाम्पल है। बस आप सेंटेंस को लिखूंगा हिंदी में, तब तक आप माइंड के अंदर ट्रांसलेट करके प्रॉपरली उसमें समझ जाना कि हमने जो बनाया है वो हमें आंसर मैच होगा या फिर नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे स्टार्ट समझेंगे। पहला, लड़के बड़बड़ा रहे होंगे। डन, आप सेंटेंस को आप समझेंगे अच्छे देखेंगे तो सिंपल लिखा, छोटा बड़ा भी नहीं, लड़के बड़बड़ा रहे होंगे, सिंपल लिख दिया। बनाया पहले अपने माइंड के अंदर, ट्रांसलेट करें फिर उस आंसर को मैच करें। तो यहां पर रहा रही मतलब किसका हो गया, कंटिन्यूस का हो गया। होंगे किसका हुआ, फ्यूचर, सिंपल लिखा है तो किसका हुआ, अफर्मेटिव। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए। तो नंबर वन पे हम यहाँ पे क्या लेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में लड़के मतलब बॉयज, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब विल और सर, तो यहाँ पे क्या आएगा, विल आएगा क्योंकि सर आता आई और वी के साथ में। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो आ रहे हिंदी में दिया गया जो था लास्ट उसी की पहचान से आ रहे, विल बी। अब जो लिखा हुआ यहाँ पर बड़बड़ाना दिख रहा है, ये हमारी वर्ब है तो यहाँ पे हम चलेंगे तो इसको लिखेंगे बड़बड़ाना, इसका मतलब होता है मर मर। ठीक, अब लगाएंगे आईएनजी तो क्या हो जाएगा, म मरी डन हुआ। तो ये हमारे पास इसकी वर्ब हो गई, मतलब था बड़बड़ाना, तो ये हमारे लिए होगा मर मर मतलब की म मरी हो गया। तो ये था हमारा एग्जाम्पल, लड़के बड़बड़ा रहे होंगे तो बॉयज विल बी मर मरे, डर से हुआ, ये एक हुआ। अब आगे देखते हैं सेकंड वाला एग्जाम्पल, मैंने कहा था लड़कियां नखरे दिखा रही होंगी तो यहाँ पे हम चलते हैं लिखते हैं लड़कियां नखरे
दिखा रही होंगी। अब ये हमारे पास सेकेंड है, इसको आप माइंड बनाए, सेटर जमाए, तब तक इसका आंसर लिख दूं ताकि आप दिक्कत नहीं आए। लड़कियां नखरे दिखा रही होंगी, अब क्या होगा इसको हम समझेंगे आंसर के बेस पे। तो हमारा आंसर क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, करेंगे सबसे, क्योंकि उसी के बेस पर हम आगे बढ़ेंगे। तो लड़कियां हमारे पास सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हो गई गर्ल्स, ये नंबर वन। फिर हम देखेंगे पहचानती रह रही होंगी, मतलब पास्ट सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूस की। हेल्पिंग वर्ब विल असल में क्या आएगा, विल आएगा, तो क्या हुआ विल बी हेल्पिंग वर्ब चल रही है। फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, अब लिखा हुआ है नखरे दिखाना, क्या लिखा हुआ है नखरे दिखाना, हम चलेंगे तो ये हिंदी में हमारे लिए यहाँ पे, तो हमारे पास लिखा हुआ नखरे दिखाना, ये थर्ड नंबर पे हम आ गए। नखरे दिखाना मतलब होता है सौदा, एयर्स होता है वर्ब में, तो यहाँ पर हम सो लिखेंगे, बट यहाँ पे साथ में हमें क्या चाहिए आई एन जी, तो क्या हुआ है सोइंग। फिर इसके बाद लिखेंगे हम दी एयर्स, एयर मतलब हवा होता है, पूरे वर्ड है नखरे दिखाना, तो ये पूरा एक वर्ड बन रहा है, तो ये क्या हुआ सोइंग दी एयर्स, तो ये हमारे पास क्या हुए वर्ड। तो ये सेंटेंसेज बता दिए हमने आपको किसके, अफर्मेटिव के। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे फ्यूचर में, अब हम बनाएंगे सेकंड कंडीशन में नेगेटिव सेंटेंसेस। तो आइए यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, अब समझेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस में नेगेटिव सेंटेंस को स्ट्रक्चर क्या, थोड़ा बदलाव है देखें हल्का सा। सब्जेक्ट रहेगा हेल्पिंग वर्ब विल सेल रहेगी, और जो वी है वो हमेशा नोट के बाद में आएगा नेगेटिव में, क्योंकि नोट थर्ड नंबर पे आएगा, इसीलिए बाकी वर्ब में आएंगे और ऑब्जेक्ट हमारा चलता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल हिंदी में लिखूंगा, आप तब तक उसे अपने माइंड में ट्रांसलेट कर लें, बना लें, और फिर बाद में उसे मैच करना है कि जो हमारा आंसर बनाया सही है फिर गलत है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं कि एक पागल व्यक्ति। सेंटेंसेस ऐसे मतलब बनाओ ताकि हमें पढ़ने में बनाने में काफी अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे, मजा भी आए। तो एक पागल व्यक्ति पत्थर नहीं फेंक रहा होगा। मैंने सेंटेंसेस को बहुत प्रॉपरली लिखा हुआ सिंपल वे पे, आपको लग रहा होगा कि कोई पागल व्यक्ति पत्थर क्यों नहीं फेंके, वो तो फेंकेगा जाहिर सी बात है पागल, पर ऐसा नहीं है कि पत्थर फेंके, अगर हम भी किसी को परेशान करेंगे तो हमें करेगा ना परेशान, बात तो वही है। इसलिए लिखा हुआ कि एक पागल व्यक्ति पत्थर नहीं फेंक रहा होगा, समझेंगे अच्छे से। तो पहचान के लिए रहा नहीं होगी लिखा हुआ है, कि किसका हुआ है कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस का, नहीं दिया नहीं ध्यान देना, हमेशा थर्ड नंबर पे आना है। और अब इसको हम बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, एक पागल व्यक्ति, तो एक ही सब्जेक्ट है दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम आएंगे एक आ में, एक आ पागल में व्यक्ति मतलब पर्सन, तो क्या हुआ अमे पर्सन, ये हमारा हुआ है सब्जेक्ट फर्स्ट, मतलब एक ही है। फिर हम चलेंगे रहा रही होंगी लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास सेकेंड है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के लिए, इसमें विल सर क्या आएगा, तो यहाँ पर भी हमारे पास विल ही आएगा, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, साथ में इसमें बी भी आएगा। बट थर्ड नंबर पे क्या लिखा हुआ नहीं, तो नहीं हमारा एस पर दिस ही रहेगा थर्ड नंबर पे, चेंजेस नहीं करेंगे हम। और कंटिन्यूस में हमें इसके साथ में विल के साथ में हमें क्या लगाना है यहाँ पर वी का यूज करना है, तो विल नॉट बी ओवर। फिर हम आगे चलेंगे, फिर लिखा हुआ है यहाँ पर फेंकना, ये हमारे पास क्या होगा वर्ब, तो फेंकना मतलब होता है थ्रो, अब ये थ्रो हो गया, साथ में लगाएंगे आई एन जी क्या हो गया थ्रोइंग हो गया, तो ये हमारे पास वर्ब हो गए फोर्थ नंबर पे। फिर हम देखें यहाँ पर तो आगे बढ़ेंगे लिखा बढ़ेंगे यहाँ पर, तो नंबर फिफ्थ पर क्या लिखा है पत्थर मतलब की स्टोन, जो हमारे लिए क्या है हमारा अदर वर्ड्स में, तो यहाँ पर हम आ गए ये हमारे पास नंबर फिफ्थ पर आ गया स्टोन, तो ये हमारा पूरा एक आंसर हो गया, एक पावर व्यक्ति पत्थर नहीं फेंक रहा होगा, अ मेड पर्सन विल नॉट बी थ्रोइंग स्टोन्स। अब आगे बढ़ेंगे ऐसे हम, और इसमें बनाएंगे इसके बारे में इंट्रोगेटिव के बारे में। तो आइए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आज फ्यूचर कंटिन्यूस का लास्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, समझेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ इंट्रोगेटिव में पहले स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब विल सर्व है, सब्जेक्ट वी, वर्ब में आएंगी अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ हिंदी में, आंसर भी लिखूंगा, पहले आप उसे माइंड में ट्रांसलेट कर लें, फिर चेक करें सही है फिर गलत है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और इसको हम प्रॉपरली बनाते हैं। तो एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे सिंपल है फर्स्ट ही, बहुत सिंपल एग्जांपल है, बस आपको बनाना है माइंड के अंदर उसे और यूज करना है। जैसे क्या, सॉरी,
क्या वह कानून के नियमों को तोड़ रहा होगा? सेंटेंसेस बड़ा समझे, छोटे ही। क्या वह कानून के नियमों को तोड़ रहा होगा? ठीक, अब ये मैंने लिखा हुआ सेंटेंस, इसको हम समझेंगे, पहचानेंगे। तो पहले आपके पास में क्या दिया, क्या, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, मतलब इंट्रोगेटिव। फिर रहा रही, मतलब फ्यूचर का हो गया, किससे होगा होगी, और रहा रही कंटिन्यूस, तो फ्यूचर कंटिन्यूस का होगा। तो पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर चलेंगे, आप बनाते जाइएगा साथ साथ में। पहले हमारे पास क्या आ रहा है, सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या चलेगी, रहा रही होगे से, फ्यूचर कंटिन्यूस की है तो विल या सल, तो यहाँ पे क्या आएंगे आपकी हेल्पिंग वर्ब, विल आएगी, तो विल ही। फिर इसके बाद में लेंगे हम वी, ये कंटिन्यू साथ चलेगा। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर एक पे सब्जेक्ट हो गया वे का ही, हेल्पिंग वर्ब नंबर दो चल रही है विल वी, ये एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो विल ही वी डन हुआ। फिर हम चलेंगे अच्छे से आगे, तो लिखा हुआ है नियम को तोड़ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास लिखा हुआ है तोड़ना, ये क्या हो गया वर्ब, तो यहाँ पर हम चलेंगे। फिर लिखेंगे बी के बाद ब्रेक, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, कंटिन्यूस का है, आईएनजी लगाएंगे, होगा ब्रेकिंग, क्या हुआ है, ये हो गया ब्रेकिंग, तो विल ही बी ब्रेकिंग। अब आगे चलेंगे, फिर हम देखेंगे तोड़ना, तो क्या हुआ ब्रेकिंग। अब आगे बढ़ेंगे हम, तो फिर लिखा हुआ नियमों को, किसके, कानून के नियमों की, पूरा एक ही, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो कानून के नियम, किसके नियम हो गए, कानून के, मतलब रूल्स ऑफ लॉ। तो यहां हम चलेंगे, फिर आगे लिखेंगे रूल्स ऑफ लॉ, तो ये किसके नियम हो गए, कानून के, और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास था सेंटेंस स्ट्रक्चर, रेस बना लिया हम लोगों ने प्रॉपरली, और आपने अपने माइंड के अंदर बना लिया होगा। तो आइए मिलाए समझे, क्या भाई कानून के नियमों को तोड़ रहा होगा, तो विल ही बी ब्रेकिंग रूल्स ऑफ लॉ, अच्छे से हुआ। तो यहाँ पे हम सेंटेंस बनाए, समझाए, प्रैक्टिस करें। आई होप आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इसे अप्लाई करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूल जाए, ताकि आपको आने वाली और वीडियो मेरी मिलती रहे। थैंक्स।